आपके वाहन के ब्रेक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है धूल और पानी के कण। अगर ये दोनों मिल गए तो ये ब्रेक का सत्यानाश कर सकते हैं। इसीलिए ड्रम ब्रेक्स के ऊपर एक शील्डिंग लगाई जाती है जो धूल और पानी के कणों को अंदर जाने से रोकती है। पर मान लेते हैं कि पानी अगर लीक भी कर जाए तो जंग से ब्रेक को बचाने के लिए कैडमियम की प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हैंड ब्रेक के इस्तेमाल से पहले ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चारों पहियों को एक ही लीवर से एक साथ कैसे कंट्रोल करें, और ये जुगाड़ बनाया गया चार स्टील रॉड्स को एक साथ कनेक्ट करके, वो भी एक सिंगल आर्म से। आज की मॉडर्न कार से पहले चारों पहियों को एक ही लीवर से रोकने का यही एकमात्र रास्ता था। अच्छा जरा ये बताइए, गाड़ी का हैंड ब्रेक रियर और फ्रंट व्हील में से किसको रोकने का काम करता है?